अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल टूल इन्फो 1232 पर। जैसे कि आप जानते हैं, हम रोज़ाना आपके लिए नए से नए प्रोडक्ट लेके आते हैं अनबॉक्सिंग के लिए, हिंदी के अंदर फुल रिव्यू लेके आते हैं डेमो के साथ। तो अभी तक जिन व्यूअर्स ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कि जैसे ही हम लोगों डेली बेस पे हर प्रोडक्ट के जो अनबॉक्सिंग के वीडियो डालते हैं, वो आप मिस करें बगैर उसको देख सके। उसके लिए बेल आइकॉन को भी दबा दें, हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और दूसरों तक पहुँचाएँ और हमें सपोर्ट करें। चलिए, आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक नया प्रोडक्ट। ये जो प्रोडक्ट है, ये है इंको कंपनी का एक वैक्यूम क्लीनर है, 20-25-8 और जो 2000 वॉट का वैक्यूम क्लीनर है और 2.5 लीटर का इसका बकेट है और बहुत ही बेहतरीन वैक्यूम क्लीनर है ये। और इनको की ये पेटेंट डिज़ाइन है। इनको का हर एक प्रोडक्ट जो होता है वो पेटेंट होता है, तो ये किसी का कॉपी नहीं मारा हुआ, ये खुद की टेक्नोलॉजी R&D करके, ये खुद रिसर्च करके ये बनाते हैं। आज पूरा एकदम पेटी पैक लेके आए हैं आपके लिए। हम देख सकते हैं आपके सामने ही, मैंने इसको खोल रहा हूँ। मैंने भी अभी तक इसका देखा नहीं है कुछ भी डिटेल, जैसे जैसे देखता जाऊँगा आपको बताता जाऊँगा मैं। ये इसकी यूज़र मेन्यू है, साइड पर रख देते हैं। ये क्या है, ये मुझे लग रहा है कि ये इसका पाइप है। पाइप भी पूरा पैक है, पाइप का कवर निकाल लेते हैं। ये वैक्यूम क्लीनर खास करके लाने का मकसद ये है कि ये जो वैक्यूम क्लीनर है, ये हमें हर पर्पज़ में काम लगेगा। ये जो वैक्यूम क्लीनर है, ये दोनों पर्पज़ में यूज़ हो सकता है आपका। अगर इंडस्ट्रियल काम है उसमें भी यूज़ हो सकता है, घर में अगर आपको यूज़ करना हो उसमें भी यूज़ हो सकता है, बहुत ज़्यादा काम में। देखिए, ये इसका नोज़ल है, पूरा SS का नोज़ल है ये, स्टील का, देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया नोज़ल है। यहाँ पे आगे इसका अटैचमेंट बढ़ाने के लिए दिया हुआ है। मैंने जैसे आपको पहले ही बताया, ये इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए भी बहुत उपयोगी है और घर के यूज़ के लिए भी बहुत उपयोगी है। देख सकते हैं, बहुत ही आसान है, एकदम मस्के की तरह खुल रहा है और मस्के की तरह बंद हो रहा है। पूरा स्टील का है और ऐसा नहीं है कि काट लगने वाला है, अंदर बाहर दोनों क्रोम है, स्टेनलेस स्टील का ये पाइप है। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये जो अटैचमेंट है ये बहुत ही मजबूत और ड्यूरेबल है। जैसे कि हम पहले से जो देखते आ रहे हैं वैक्यूम क्लीनर, जिसके अटैचमेंट गुम हो जाते हैं, फट जाते हैं, साइडों पे से ख़राब हो जाते हैं, वो प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगी। और ये इनको क्या है कि ये बॉश और यूरेका फॉब जैसी जो ब्रांड है उसके कंपेरिजन में तो इसकी टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा है और प्लास्टिक के अटैचमेंट बहुत अच्छे हैं इसमें। दूसरी बात के ये जो इसके जितने भी जो पावर टूल्स है उसके अंदर ये सब अटैच हो जाता है, उस हिसाब से इसको बनाया जाता है। थर्मोकोल को मैं हटा लेता हूँ। मशीन को थोड़ा साइड पे रख देते। बॉक्स के अंदर क्या क्या आ रहा है वो देख लेते। ये फ्लोर साफ करने का है, ये जो हमारा कारपेट वगैरह होता है ना वो साफ करने के लिए है। इसमें यहाँ पर एक स्विच भी दी हुई है, ये स्विच को आप करेंगे तो ये और थोड़ा लूज चलेगा और सक्शन लूज करेगा और ये पूरा एकदम डीप क्लीनिंग जो बोलते हैं ना, जीनी धूल जो खींचते हैं, वो खींचने के लिए आपको इस मोड पर रखना पड़ेगा और थोड़ा हल्का सा खींचने के लिए आपको इस वाले मोड पर रखना पड़ेगा। तो इसका ब्रश बाहर आ गया, इसका ब्रश बाहर आ गया। ये हमारा कंप्यूटर वगैरह साफ करने के लिए, कीबोर्ड साफ करने के लिए, गाड़ी के अंदर छोटी छोटी जगह साफ करने के लिए। और ये भी पूरा एंगल इसका चेंज होता है, ये सीधा हो गया, ये 90 डिग्री पे हो गया, एंगल चेंज होता है। एक के अंदर ही दो तीन काम हो सकते हैं। और दूसरा थैली के अंदर देख लेते हैं हम, अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है। ये सोफ़े के वगैरह के अंदर जाके साफ करें अंदर से, उसके लिए है, अटैचमेंट दिया हुआ है। और ये फ्लोर वगैरह कारपेट है, सोफ़े का कारपेट है, उस सब के अंदर अटैचमेंट्स हो लगे उसके लिए है। और ये मुझे लग रहा है कि ये कोई चीज़ में उपयोग आएगा, हम इसका उपयोग देखें। ये सारे अटैचमेंट को इसमें लगाने के लिए है, सही है, ये ऐसे करके लग जाएगा और ये सारे अटैचमेंट आपके यहीं पे स्टैंड का भी काम कर लेंगे आपका। तो ये आपका एक भी जो स्टैंड है वो खोएगा नहीं। और अगर आपका ज़्यादा काम है और आप इसको फिट और फिट ही रखते हैं तो ये सारे स्टैंड आपके सामने ही रहेंगे, आपको सिर्फ यहाँ से कनेक्ट करके उसको यहाँ पर, जैसे यहाँ मैं अभी कनेक्ट करके आपको बता देता हूँ, ये मैंने जैसे यहाँ पर लगा दूंगा मैं इसको, इस हिसाब से ये काम हो जाएगा। ठीक है, आगे भी डिटेल में रिव्यू आपको बताता हूँ।
बॉक्स को थोड़ा हटा देते हैं। दूसरा बॉक्स में कुछ भी नहीं आता। अब हमारे सामने है वैक्यूम क्लीनर, पूरा ब्रांड न्यू वैक्यूम क्लीनर है, अभी तक यूज़ ही नहीं किया है, आपके लिए हम स्पेशल लेके आए हैं दुकान से, इंको कंपनी का। देख लीजिए, पहले आप पूरा पूरे यूनिट को देख लीजिए, फिर मैं आपको धीरे धीरे पूरी डिटेल बताऊंगा मैं। ये इसका चैम्बर है, 2.5 लीटर का इसका चैम्बर है, 2.5 लीटर जितना इसके अंदर डस्ट आ सकता है। पीछे क्या है देख लेते हैं। पीछे इसका फिल्टर है, फिल्टर है इसका। अगर आपका धूल का काम ज़्यादा होता है तो इसको आप फिल्टर को साफ करना पड़ेगा आपको रेगुलरली, तो आपका वैक्यूम क्लीनर का पावर बना रहेगा। और खोलना और फिटिंग करना बहुत ही आसान है, देख सकते हैं हल्के से मैं सिर्फ लगा रहा हूँ और ये हो जा रहा है, बहुत ही कार टाइप है। और ये भी एक आपको घर में रखा हुआ होगा तो एक शो आएगा, ऐसा लगेगा कि क्या चीज़ है, कोई आपका मेहमान भी आएगा वो पूछेगा कि क्या चीज़ रखी हुई है आपने। ट्रांसपेरेंट बॉडी है, कितनी धूल भरेगी इसमें वो भी आपको आइडिया आ जाएगी, सही बात है। दूसरी इसमें खास बात है कि ये जो इसका पुश बटन है, इससे वैक्यूम क्लीनर चालू हो जाएगा और इससे वैक्यूम क्लीनर बंद हो जाएगा, एक ही पुश से चालू भी होगा और वन पुश से बंद भी होगा। मगर दूसरे जो वैक्यूम क्लीनर में ये बात नहीं होती, वो इसमें ये खास बात ये है कि इसके अंदर जो वैक्यूम क्लीनर का सक्शन की जो स्पीड है वो आप कंट्रोल कर सकते हैं। वैक्यूम क्लीनर जो 2000 वॉट का है, तो अगर आपको उसकी स्पीड कम करनी है या छोटा सामान आपको खींचना है तो वो आपको स्पीड को ऐसे फास्ट और वेरिएशन स्पीड में आती है, जिससे आप इसको वैक्यूम क्लीनर को धीरा और फास्ट आराम से कर सकते हैं। और जैसे ऊपर की बकेट के लिए मैं आपको बता दूं, यहाँ से इसका इसका कोड है, कोड कहाँ पर चला गया इसका, यहाँ पर इसका कोड है, देख सकते हैं आप, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर। अब ये कोड के अंदर हमें पूछते भी है कमेंट के माध्यम से, शायद आप पूछेंगे भी कि येलो और रेड क्यों है, तो भाई येलो तक ही आपको खींचना है। कभी आपको बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी में गलती से अगर खींच गया तो येलो से आते आते ये वायर रेड तक आ जाएगा, रेड के आगे आपको नहीं खींचना है, नहीं तो क्या है कि अंदर से जो वायर का फिटिंग है वो लूज़ हो जाएगा और आपका वैक्यूम क्लीनर ख़राब हो जाएगा। देख सकते हैं आप, बहुत ही स्ट्रांग है इसका खींचने वाला पार्ट भी, मैं जैसे ही मैंने स्विच दबाई ये पूरा कोड इसने खींच लिया, कोड भी ऑटोमेटिक खींचता ही है। वापस एक बार मैं आपको बता देता हूँ, देख सकते हैं आप, मैं बता दूं आपको, ये वन पुश के अंदर पूरा अपने आप ये ऑटोमेटिक वापस ले लेगा, आपको कहीं भी इसको करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब जैसे ही यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, ये जो लॉक है ये देख सकते हैं, यहाँ पर ये स्प्रिंग है एक तरीके का, देखिए मैं आपको खोल के बताता हूँ, अभी ये खुल गया। ये बकेट भी बहुत प्यारा बकेट है, यहाँ पर मशीन के अंदर इस वाले हिस्से में कुछ भी नहीं है, ये जो बकेट है ये खींच के यहाँ पर अपना सारा कचरा वगैरह यहाँ पर ले लेगा और मशीन आपका साइड में हो जाएगा, मोटर आपका साइड में हो जाएगा। बहुत मस्त लग रहा है, कार टाइप है, एकदम सैंडल टाइप इसका ये है। अब बकेट का थोड़ा हम जानकारी ले ले, बकेट में क्या क्या है। यहाँ से इसको बकेट अनलॉक होगी और इसको हमें अभी मुझे इसको फास्ट करना है। आप बोलेंगे यार इतना आवाज़ तो बहुत कम पावरफुल मोटर होगी इसमें, मगर नहीं है, ये मिनिमम सा स्पीड पे चल रहा है। अब मैं इसकी स्पीड धीरे धीरे बढ़ा रहा हूँ, देख लीजिए आप, ये इसकी फुल स्पीड पे आ गया है, देख सकते हैं आप कितनी फास्ट खींच रहा है ये। पावर का अंदाज देने के लिए मैं आपको बता दूं, देखिए बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही पावरफुल है। और आप अपना ये वाले अटैचमेंट भी इसमें ही है, यहाँ से हवा बाहर निकलेगी आपकी गर्म और कंप्लीट ये वाले हिस्से से आपकी गर्म हवा बाहर निकल जाएगी, जो आगे से हवा खींचेगा वो यहाँ से ये बाहर निकाल लेगा हवा को,
यहाँ से इसको लॉक कर, येलो वाला जो लॉक है कलर वाला उसको आप ऊपर करेंगे और उसको घुमाएंगे तो ये खुल जाएगा, आपका बकेट पूरा खुल गया। बकेट खुल जाने के बाद बकेट के अंदर भी अलग अलग तरीके के फ़िल्टर है, देख सकते हैं आप। यहाँ से एक फ़िल्टर में यहाँ पे आपका एयर खींचेगा, फिर एक यहाँ पर रबर की गास्किट है यहाँ पर, और ये ऊपर के फ़िल्टर आपको ऐसा लग रहा है कि वो जूस मशीन का जार है मेरे पास, मुझे ऐसा लग रहा है, बहुत ही बढ़िया दिखने में लग रहा है, मुझे उम्मीद नहीं थी इतना खूबसूरत होगा। और ज़्यादा का डस्ट निकालने के लिए आपको जो रॉ डस्ट होगा वो निकालने के लिए आपका नीचे ही दे दिया हुआ है, तो आपको ऐसे खोलेंगे तो डस्ट जो यहाँ है वो आपका अंदर आ जाएगा। और देख सकते हैं और डीप क्लीनिंग करने के लिए आपको ये वाला भी ऑप्शन दिया हुआ है, पूरा ये बाहर आ जाएगा। पूरा बाहर आने के बाद अब मैं इसको पूरा डीप क्लीन कर सकता हूँ। फिल्टर की बात बता दूँ कि इसमें बहुत सारे फिल्टर है, एक ये जो ऊपर वाले पहले ढक्कन के ऊपर फिल्टर है इसका गास्केट है, और अंदर भी एक छोटा सा फिल्टर दिया हुआ है, देख लीजिए आप, बहुत ही बढ़िया फिल्टर है ये भी। इसको भी आप रेगुलरली अगर साफ़ करते रहेंगे तो क्या ये भी गंदा हो गया, इसके प्रेशर से हवा मार देंगे, या वैक्यूम क्लीनर को ही चालू करके उसकी हवा से भी इसको क्लीन कर सकते हैं। जैसे आपने वैक्यूम क्लीनर चालू कर लिया और जो हवा उसकी आ रही है उससे ही इसको आप साफ़ भी कर सकते हैं। लगाना भी बहुत आसान है, देख सकते हैं हर एक चीज़ में मार्किंग दी हुई है, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, लॉक अनलॉक, लॉक अनलॉक, यहाँ पर भी देख लीजिए लॉक अनलॉक, और इसके ऊपर भी लिखा हुआ है लॉक अनलॉक, अनलॉक लॉक। तो इसको लगाना बहुत आसान है, देख सकते हैं आप, घुमा दिया, लग गया ये, कोई ज़्यादा ताकत देने की ज़रूरत नहीं है, आप भी अपनी ताकत का इस्तेमाल मत करिएगा, आसानी से धीरे से इसको प्यार वहीं रख, फिर पीछे आगे पीछे हो जा रहा है, लग चुका है ये। और ऊपर का जो ढक्कन है मैंने इसकी गास्किट को निकाल दिया था, अब मैं इसकी गास्किट को वापस इसको इंस्टॉल कर देता हूँ। अगर हमारे कोई व्यूअर्स इसको ख़रीदते हैं तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा, ये छोटी मोटी चीज़ है मगर ये बहुत ही बेसिक है, अगर गास्किट आपकी खो जाएगी, ये जो रबर की रिंग है, तो आपको फिर इसको उपयोग नहीं कर पाएंगे आप, तो उसके लिए प्लीज़ आप इसको ध्यान से रखिएगा और संभाल के रखिएगा। और ये हो गया हमारा वैक्यूम क्लीनर, वैक्यूम तभी कर पाएगा जब ये रबर की स्ट्रिप जी कर पाएगा सही से। इसको फिटिंग कर दिया है, ये वाला हिस्सा आगे की तरफ रहेगा, जहाँ से हमें वो सक्शन का पाइप लगाना है वो भी मैं आपको लगा के बता देता हूँ। और ये जो हमारा जार टाइप का ऊपर का हैंडल है इसको हमें यहाँ पीछे वाला जो नीचे खुलने वाला जो हिस्सा है वहाँ से हम रख के इसको लॉक करेंगे, तो ये लॉक हो गया, देख लीजिए। लॉक होने के बाद इसको बहुत ही आसानी से इसको यहाँ पर लगा देना है, कोई ज़्यादा अटेम्प्ट करने की ज़रूरत नहीं है, इसको खींचेंगे तो ये लॉक हो जाएगा, लॉक हो चुका। और ये वाला भी लॉक, इसको लॉक कर देंगे तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब थोड़ा हम इसको चालू करके आपको बता दे, इसका डेमो दे दे आपको, वायर पूरा निकाल देता हूँ मैं और फिर अटैचमेंट वगैरह आपको मैं निकाल के बता दूँ मैं। अब ये जो इसका जो कॉर्ड है, ये कॉर्ड अभी तक हमने जितने भी वैक्यूम क्लीनर देखे हैं उससे ज़्यादा ये हैवी है और बहुत ही मोटा इसका प्लास्टिक है। मेरे पास एक यूरेका फोर्ब्स का भी वैक्यूम क्लीनर है और बॉश का भी वैक्यूम क्लीनर है, मगर उसका प्लास्टिक इतना हैवी नहीं है, मगर ये बहुत ही हैवी प्लास्टिक है और यहाँ से अक्सर वैक्यूम क्लीनर यहाँ से टूट जाते हैं, तो ये प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगी। ये लंबा 1.5 मीटर लंबा ये इसका कॉर्ड है, जो सक्शन वाला पाइप है, सक्शन वाला पाइप भी लगाना बहुत ही आसान है। जैसे कि आपको पता है कि ये इनको कंपनी का ब्रांडेड है, उसके हिसाब से हर चीज़ यहाँ पे बहुत ही, जो एक एक अटैचमेंट लगाने की पद्धति है और जो उसको निकालना है और उसकी सफाई है, टेक्नोलॉजी पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान दिया गया है, तो हर चीज़ आपको बहुत ही आसानी से उपयोग कर पाएंगे। पाइप के आगे अगर आपको कम इसका पावर कम करना है तो भी आप यहाँ से इसको इसका ऊपर का वेंटिलेटर खोल देंगे तो आपका पावर ये कम खींचेगा, और आपका अगर फुल पावर पे इसको चलाना है सक्शन पावर कम हो जाएगा, और फुल पावर पे चलाना है तो ये नीचे कर देंगे तो ऊपर के वेंटिलेटर बंद हो जाएंगे, तो आपको कंप्लीट फुल पावर मिलेगा। यहाँ पर मशीन को मैं ऑन करता हूँ, अभी मैंने जैसे ही मिनिमम पे रखा हुआ है, और मैं आपको एक बार मशीन को चालू करके बता देता हूँ, धीरे से चालू होगा और देखिए
अभी मेरे मुझे इसको फांस करना है। आप बोलेंगे यार इतना आवाज़ तो बहुत कम पावरफुल मोटर होगी इसमें, मगर नहीं है, ये मिनिमम सा स्पीड पे चल रहा है। अब मैं इसकी स्पीड धीरे धीरे बढ़ा रहा हूँ, देख लीजिए आप। ये इसकी फुल स्पीड पे आ गया है, देख सकते हैं आप कितनी फास्ट खींच रहा है ये। पावर का अंदाज देने के लिए मैं आपको बता दूं, देखिए बहुत ही पावरफुल है। और आप अपना ये वाले अटैचमेंट भी इसमें ही है, यहाँ से हवा बाहर निकलेगी आपकी गर्म और कंप्लीट, ये वाले हिस्से से आपकी गर्म हवा बाहर निकल जाएगी। जो आगे से हवा खींचेगा वो यहाँ से ये बाहर निकाल लेगा हवा को। और अटैचमेंट लगा के मैं आपको बता दूँ, ये इसका सबसे बेस्ट अटैचमेंट है, लॉक हो गया, बहुत ही बढ़िया है। यहाँ से मुझे कुछ नहीं करना है, यहाँ से निकालना है, थोड़ा बंद कर देता हूँ मैं मशीन को, आपको मैं आइडिया दे दूँ। फिशिंग रॉड होता है ना वो सा बनाया है। हाँ, फिशिंग रॉड टाइप बनाया है, पूरा स्टील का रॉड है और यहाँ पे लगा दिया। अगर आपको लंबा करना है तो आप ऐसे करके इसको इसका लेंथ को बड़ा कर सकते हैं। एक बार वापस बता दूँ, ठीक है। और अगर आपको लॉक हो गया, ऊपर लॉक दिया हुआ है, हल्के से पुश करना है, आधा खोलना है तो आधा खोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही मजबूत लॉक है। कटिंग दिया हुआ है पाइप के अंदर, बहुत ही देखो नीचे भी घिसी दिया हुआ है, देख सकते हैं आप, नीचे भी पूरा घिसी दिया हुआ है। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, यहाँ ऊपर ही लग जाएंगे, देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और पाइप रोड को लंबा करके बताओ ना, ठीक है। मैं थोड़ा कंप्यूटर को मेरे साफ कर लूं, बढ़िया साफ कर रहा है ये मेरे कंप्यूटर को, कंप्लीट क्लीन कर दिया है इसने, देख लीजिए आप। इतना पावरफुल है कि मेरी एक की इसने खींच ली यहाँ से, देख लीजिए एम वाली की खींच ली। अब मैं फटाफट मेरी की को निकाल देता हूँ, इस बहाने मैं आपको ये भी बता दूंगा कैसे इसको खोलना है। देखिए यहाँ से निकाल दिया और नीचे पूरी की आ ही गई है, यहाँ से पुश किया और ये हमारी की हमारे हाथ में आ गई, छूट जाती है फटाफट, आप उसको निकाल भी सकते हैं, सॉलिड जो भी होगा वो नीचे नीचे आ जाएगा। तो दोस्तों ये जो आगे का अटैचमेंट है, तीन अटैचमेंट की जो जैसे हमने शुरुआत में बात की थी, ये तीन अटैचमेंट यहाँ पर हो गए। और सबसे बड़ा मेन जो अटैचमेंट होता है जो हमारे घर में ज़्यादातर यूज़ होता है वो ये फ्लोर वाला अटैचमेंट है, देख लीजिए आप, ये फ्लोर वाला अटैचमेंट है, ये आपको ऐसे ही रखना पड़ेगा। और ये जो हिस्सा है ये आपको जैसे हमारे इमरान भाई ने बोला, इसको पूरा खोल के बता दीजिए, तो मैं आप स्विच बोर्ड से कितना दूर तक जा पाएगा वो भी आपको बता दीजिए। कंपोनेंट लगाने के बाद स्विच बोर्ड से इसकी लेंथ कितनी रहेगी वो आपको बता दूं, देख लीजिए आप, बहुत ही हाइट अच्छी है। मैं नीचे रख के जमीन पे बता देता हूँ आपको, तकरीबन 4 फीट तक ये आ जा रहा है, इतने आपको झुकना नहीं पड़ेगा इसमें, इसमें आपको झुकना नहीं पड़ेगा। और यहाँ पर भी पीछे रोलर दिए हुए हैं, ये रोलर के बेस पे आपको इसको धक्का भी मारना है और इसको पुश करना है, खींचना है। और जैसे मैंने आपको पहले बताया, अगर आपको एकदम डीप क्लीन चाहिए तो इसको आप आगे कर देंगे तो ये डीप क्लीन से इसको खींच लेगा सब। और अगर हल्का सा आपको क्लीन करना है तो ये वाला हिस्सा आप पीछे की तरफ पुश कर देंगे तो ये ऐसे करके खींचेगा आपका।
अटैचमेंट लगाना, वापस एक बार बता दूं, ये भी मूवेबल है, देख लीजिए, ये भी पूरा मूव करता है, अपने हिसाब से एंगल सेट हो जाता है और ये भी पूरा मूव करता है। आप जैसे ही इसको यूज़ करेंगे वैसे ही अपने आप से कर लेगा, ये कोई दिक्कत नहीं है। अटैचमेंट को निकालते हैं, आगे दूसरा एक अटैचमेंट लगा देते हैं। ये क्या है, पूरे घर की अगर सफाई आप कर रहे हो तो उसके अंदर कैसा रहता है कि हर अटैचमेंट ढूंढने आपको इधर उधर जाना नहीं पड़ेगा, आपको सारे अटैचमेंट यहाँ पर ही लगा देने। ये वाला भी यहीं पे लग जाएगा, बहुत ही हर चीज़ इसमें सेट हो जाती है। इसकी मैंने अभी अभी एक जगह देखी है, शायद आपको नहीं पता होगा, इसकी जगह यहाँ पर लगाने के लिए मशीन के अंदर ऑलरेडी मौजूद दी हुई है, वो मैं आपको बताऊँगा तो आप भी शॉक हो जाएंगे कितना डिटेल के अंदर ये लोगों ने बताया है हमें, वो देख लीजिए आप। थोड़ा इसको मैं रख देता हूँ इधर, और ये हमारा जो अटैचमेंट है ये भी यहाँ पर आराम से लग जाएगा, देख लीजिए, बहुत ही बढ़िया फिटिंग है इसकी। हर चीज़, और इसको एक बार मैं आपको खोल के भी बता देता हूँ, खोलना। जैसे कि आपको पता है कि ये जो मशीन है ये इलेक्ट्रिक और वायर वाला मशीन है, तो आपके पास अगर रूम में, अगर आपका 20 फीट का भी अगर रूम होगा, 20, 21, 22 फीट का भी रूम होगा, तो ये एक ही प्लग के अंदर से पूरा रूम साफ कर पाएगा, क्योंकि 4 मीटर का इसका वायर है, 1.5 मीटर का इसका ये जो कॉर्ड है, और अपने आप ये मशीन ही 2 फीट का है, और उसके आगे ये जो एक्सटेंशन है ये एक्सटेंशन भी तकरीबन 1 से 1.25 मीटर जितना एक्सटेंशन है। तो आप अगर 20 फीट का या 25 फीट का भी आपका रूम होगा तो आप हर जगह जा सकते हो, कोने कोने की सफाई कर सकते हैं। और अगर आपको इसको ऊपर जाला निकालने के वास्ते भी, अगर वो जो मकड़ी का जाला हो तो वो भी यूज़ करना हो तो बहुत आसानी के साथ देख सकते हैं आप। और ये जो वेरियस, ये बहुत फ़ायदे की चीज़ है, आपने छोटा कर दिया, आपको यहाँ पे साफ करना है, फिर आपने उसको बड़ा करने के लिए बहुत ही पुश एंड प्ले, इसको बोलते हैं पुश एंड प्ले। पंखा साफ करना है, देख लीजिए आप, पंखा साफ करना भी बहुत ही आसान है, पंखा साफ करना बहुत ही आसान। यहाँ पर भी मैं कोई भी चीज़ सफाई कर लूँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऊपर की यहाँ पर मैं साफ़ कर लूँ, आसानी के साथ साफ हो जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, प्लीज़ 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 हमें सपोर्ट करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर करें। और अगर आप कोई प्रोडक्ट ख़रीदना चाहते हैं और उसका डेमो देखना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से हमें बताएं, हम उसका कोशिश करेंगे कि आप पूरा का पूरा डेमो आपको बता दें। और हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक देखें। धन्यवाद, थैंक यू।